हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं क्रिएटिव पेबल 2.0 यूएसबी पावर्ड डेस्कटॉप स्पीकर की अनबॉक्सिंग। सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़। अगर आपको इन स्पीकर्स को परचेज़ करना होगा तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेज़ कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का नंबर दे दूंगा। सो वक्त ज़्यादा ना गवाते हुए अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देख लीजिए दोस्तों, बॉक्स हमारा ओपन हो गया है एंड हमें एक छोटा सा बॉक्स और मिल जाता है। देखते हैं हमें इसके अंदर क्या मिलता है। तो देख लीजिए, इसके अंदर हमें थोड़ा पेपर वर्क मिल जाता है, यूज़र मैनुअल मिल जाती है, प्रोडक्ट के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमें यूज़र मैनुअल पर मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब फटाफट से अपने स्पीकर्स को अनरैप करते हैं एंड आपको पूरा डिटेल में दिखाते हैं दोनों स्पीकर्स को। सो देख लीजिए दोस्तों, कितना अट्रैक्टिव डिज़ाइन है इसका। तो ये मेन स्पीकर है एंड इस पर देख लीजिए हमें वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज़ करने के लिए रॉकर मिल जाता है एंड जो इसका साइज़ है वो 4.4 इंच का है एंड इसका जो कलर है वो मैट ब्लैक है। एंड दोस्तों, इसका जो पूरा डिज़ाइन है वो हमें प्लास्टिक का मिलता है, मतलब वैसे प्लास्टिक का है बट क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया हमें लग रहा है ये। इस पर हमें पैसिव रेडिएटर भी मिल जाते हैं, तो ये चीज़ भी हमें काफ़ी बढ़िया लगी। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे इसे हम कैसे कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, इस पर हमें यूएसबी केबल मिल जाती है। सो हम यूएसबी पोर्ट पर इस केबल को कनेक्ट करेंगे। सो इस पर पावर आ जाएगी एंड हम अपने 3.5 mm केबल के थ्रू इन स्पीकर्स पे आउटपुट दे पाएंगे। तो इस पर देख लीजिए 3.5 mm केबल भी मिल जाती है हमें एंड यूएसबी केबल भी मिल जाती है। सिंपली बस हमें इतना ही करना है एंड हम इन स्पीकर्स को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सेकंड स्पीकर को अनरैप करके दिखा देते हैं एंड देख लीजिए, इसका भी डिज़ाइन हमें दूसरे स्पीकर की तरह ही मिल जाता है। क्रिएटिव की ब्रांडिंग भी हमें सामने की तरफ से मिल जाती है एंड इन दोनों स्पीकर्स का जो पावर आउटपुट है वो है 4.4 वाट्स RMS का। सो अब आप इन्हें पूरा डिटेल में देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपको इसका साउंड डेमो देता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम आपको इसका साउंड डेमो दे देते हैं एंड साउंड डेमो हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करके देंगे आपको। अब आप सोच रहे होंगे मोबाइल हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे, तो सिंपली हमें यूएसबी जो केबल मिली है उसे हम अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या हम अपने पावर बैंक के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें पावर आ जाएगी, उसके बाद फिर हमें अपने मोबाइल में 3.5 mm केबल को कनेक्ट कर देना है बस, उसके बाद हम सॉन्ग्स सुन सकते हैं। सो देख लीजिए, हमने ये कनेक्ट कर दिया है एंड ग्रीन कलर की लाइट इस पर जलने लगी है। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिए, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा।
फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। अब मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, मतलब मुझे ये पसंद आए हैं। अगर जैसे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए कोई नॉर्मल से स्पीकर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए आप इनका साइज़ कितना छोटा सा है एंड जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब बहुत ही क्रिस्टल क्लियर साउंड हमें इन स्पीकर्स में मिल जाता है एंड प्राइस भी इनका कम है एंड बहुत इजी सेटअप है इनको कनेक्ट करने का। ओवरऑल क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। सो अगर मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं, आपको इन्हें परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको परचेज करना चाहिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट हल्का साउंड की है, एक क्लियर साउंड आपको चाहिए, सो आप आराम से परचेज कर सकते हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।